गोरखा मतलब क्या होता है जानते हैं आप? कायर काफर उनु बंदा मनु राम रो। कायर होने से बढ़िया मरना अच्छा है। गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे। निडर बहुत वीरता के साथ काम करते हैं। They are a fighter class. गोरखा मतलब जो युद्ध में हमेशा अजीय रहे। हुंकार एंड फियरलेस वॉरियर। एक जवान की तरह शहीद होना सबकी बसने की बात नहीं। जो खुखरी के एक वार से दुश्मनों को खत्म कर दे। कोई डर खौफ या भय कभी नजर नहीं आया। रवेली यानी फौजी शिविर को जगाने वाली बिगुल की आवाज के साथ इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। भारतीय सेना के इस रेजिमेंट से अंग्रेज इतने प्रभावित थे कि जब वो भारत छोड़कर वापस जा रहे थे तो इस रेजिमेंट के कुछ हिस्से वो अपने साथ ले गए थे। इन जवानों के एक 10-11 इंच के छोटे से हथियार से पूरी दुनिया खौफ खाती है। इस रेजिमेंट का मोटो यानी ध्येय वाक्य है कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मर जाना बेहतर है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप कहते हैं कि आप मौत से नहीं डरते तो या तो आप झूठ बोलते हैं या आप गोरखा हैं। हर मुश्किल को हंसकर सहने वाले गोरखा जवानों से मिलकर बनती है गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। इसीलिए आज जी न्यूज की खास सीरीज रेजिमेंट में आप गोरखा राइफल्स की गौरव यात्रा के गवाह बनेंगे। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों से बनी इस रेजिमेंट का सफर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उससे पहले गोरखा राइफल्स का ओजस्वी वर्तमान देखिए। भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की कुल 7 रेजिमेंट्स हैं, जिन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता है। हमेशा शांत और हंसमुख लगने वाले ये गोरखा जवान मैदान में ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। तिरछा गोरखा हैट और धारदार खुकरी इनकी खास पहचान है। आयो गोरखाली, इनका युद्ध घोष है जो दुश्मन का खून पानी बना देता है। वो कौन सी बात है जो गोरखा राइफल्स को इतनी शानदार रेजिमेंट बनाती है? इसके लिए आपको हमारे साथ उस जगह चलना होगा जहां मौत से न डरने वाले गोरखा जवान तैयार होते हैं। ये वाराणसी का 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है और यहां इस समय दिन की शुरुआत गोरखा रिक्रूट के साथ मैदान में हो रही है। गोरखा ट्रूप्स शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं
और यहाँ की ट्रेनिंग उन्हें और निखार देती है। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है आप खुद देखिए। चिनअप यानी किसी बार को पकड़कर अपने शरीर को सिर्फ हाथ से उठाना एक आम व्यायाम है, लेकिन यहां इसे और मुश्किल बना दिया गया है। मनीष इसे एक हाथ से करता है। कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी देखिए और अंदाजा लगाइए इस नौजवान की शारीरिक क्षमता का। थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे ग्राउंड में दूसरे रिक्रूट्स को ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। ड्रिल सैनिक चाल ढाल का वो तरीका है जो सैनिक को आम आदमी से अलग खड़ा करता है। ड्रिल से सैनिक में अनुशासन आता है और वो आदेश के मुताबिक साथ मिलकर काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। आदेश एकदम कड़क अंदाज में दिए जाते हैं, लाउड एंड क्लियर। रिक्रूट को अपनी वर्दी जूतों की देखभाल भी सीखनी होती है, जिसकी जांच प्रशिक्षक बहुत बारीकी से करते हैं। थका देने वाला ड्रिल का एक पीरियड खत्म हुआ, लेकिन अभी पूरे दिन सख्त ट्रेनिंग जारी रहेगी। एक ट्रेनिंग ग्राउंड से दूसरी जगह जाते हुए गोरखा नौजवान अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते, यानी गाना और हंसना। इस तरह की ट्रेनिंग से कंधे मजबूत होते हैं। ये मशक्कत इसलिए ताकि कलाइयां ताकतवर बने और निशाना बेहतर लगे। ये निशानेबाजी का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज भी निशाने को पक्का बना सकती है। उस्ताद नए रिक्रूट को राइफल की हर बारीकी सिखाते हैं और निशानेबाजी में माहिर होने के तरीके भी, लेकिन असली परीक्षा तो तभी होती है जब फायरिंग रेंज में 5.56 इंसास राइफल या लाइट मशीन गन से निशाना लगाना शुरू होता है। पहले गोली चलता था तो मैं कंधा मारता था, जिसकी वजह से मेरी फायरिंग में एक गलतियाँ हो जाती थी। गलती को हमारे यहाँ पे हुए प्रकार के, जैसे कि MMTA में जाके मुझे ट्रेनिंग करवाएगा जो उस गलती को सुधार करवाएगा, मेरी गलती को। और जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो निशाना कैसा होगा इसकी बानगी भी देख लीजिए। अब हाथ में एक AK-47 राइफल है और सामने अलग अलग रंगों की डिस्क। विसल के सिग्नल पर आगे बढ़ना है और उस्ताद के दिखाए गए रंग की डिस्क पर निशाना लगाना है, वो भी चलते चलते। लेकिन मैदानी जंग में सिर्फ निशाना लगाना ही काफी नहीं है। 18 साल के भीम कुमार मगर और 20 साल के महान बुद्धा मगर इस समय बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहे हैं। इसमें अलग अलग रुकावटों को पार करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है। पूरे बैटल गियर में यानी जंगी साजो सामान के साथ ये अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते समय आने वाली रुकावटों को देखकर बनाए गए हैं। यहां प्रैक्टिस से मुश्किल हालात में भी सैनिक रुकावटें पार करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहता है। कंटीले तारों के नीचे से निकलना, धुएं से भरे कमरे को पार करना और रस्से के सहारे दीवार पर चढ़ना उतरना शरीर
और मन को मजबूत बनाता है। जब अपनी अपनी बटालियन में यहाँ की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जाए तो उसको एक बेसिक लेवल का ओरिएंटेशन हम दे चुके हों इस ट्रेनिंग के माध्यम से। इस उद्देश्य से ये कॉम्बैट ऑब्स्टिकल कोर्स इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। हर ट्रेनिंग की परख तभी होती है जब मैदानी जंग में आजमाइश होती है। इन्फेंट्री को दुश्मन से आमने सामने लड़ना होता है और दुश्मन से एक के बाद एक मोर्चे छीनने होते हैं, इसीलिए वो क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहलाती है। और अब यहाँ ट्रेनिंग को मैदान में आजमाया जा रहा है। एयरफोर्स या आर्टिलरी यानी तोपखाना दूर से गोलाबारी करके दुश्मन के मोर्चों को कमजोर कर देता है, लेकिन दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करने के लिए पैदल सेना यानी इन्फेंट्री को ही जाना होता है। और दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना के ये जवान आग और मौत पर पैर रखकर चलते हैं। दुश्मन के बंकर से पहले 200 मीटर की इस लड़ाई की एक झलक हम आपको दिखाते हैं। यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुश्मन ने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है। बंकरों के चारों तरफ जानलेवा फंदे लगे हैं। सबसे पहले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों से बचकर आगे बढ़ना है। लीडर ने एक रस्सी के सहारे एक भारी लंगर आगे फेंका। एंटी पर्सनल माइंड को फटने के लिए इतना ही वजन पर्याप्त होता है। लंगर के गिरते ही पूरा सेक्शन लेटकर खुद को सुरक्षित करता है। कोई धमाका नहीं हुआ। अब लंगर को खींचकर पैर रखने लायक जगह को सुरक्षित कर लिया गया है। यहां कोई सुरंग नहीं है। एक जवान की पीठ पर लदी सफेद पट्टी को धीरे धीरे उस सुरक्षित रास्ते पर बिछा लिया गया। अब पूरा सेक्शन इसी पट्टी पर चलकर माइनफील्ड पार कर सकता है। आगे कंटीले तारों की रुकावट है। यहां जवान दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा नाले के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दूसरे ने सावधानी से सामने से चलना शुरू किया। कंटीले तारों के जाल को फुर्ती से पार करना है। खड़ा सैनिक एक आसान निशाना होता है। तारबंदी पार हो गई और दूसरे दस्ते ने दुश्मन के बाएं हाथ में काफी पास तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। दुश्मन अब तक खामोश है। अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। तभी दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। सेक्शन कमांडर, सामने देख, 75, एक लाल झंडा, दुश्मन का एलएमजी पोस्ट। राइफलों में संगीने लगा ली गईं और आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ बरसती गोलियों के बीच गोरखा जवानों ने दुश्मन पर सीधा हमला कर दिया। मोर्चा फतह हो गया। और ऐसा ही नतीजा हर बार आता है जब गोरखा जवान मैदान में उतरते हैं, इसीलिए गोरखा पलटने हर अफसर की पहली पसंद होती हैं। एकेडमी में जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो डेटा ये बताता है कि उनकी चॉइस ज़्यादातर रहती है इन्फेंट्री में गोरखा बटालियन ज्वाइन करने की। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो गोरखा ट्रुप्स हैं वो दे आर अ फाइटर क्लास, सो वो उनमें जो इन्फेंट्री सोल्जर के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो है। तो इसलिए जो ऑफिसर इन्फेंट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ट्रुप्स हैं उनको कमांड करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही सिंपल ट्रुप्स हैं और डेडिकेटेड, और इनमें जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ही आला दर्जे की है। एक सोल्जर एक वक्त पर आपको एक खूंखार योद्धा जो कहते हैं फियर्स वॉरियर, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, हाईली कमिटेड, डिटरमाइंड, खतरों से जैसे डर ना लगता हो, जैसे मैंने बोला एक उग्र योद्धा होता है। और वही सोल्जर कुछ देर बाद आपको एक विनम्र, वेरी हम्बल,
गोरखा जवानों का इतिहास निडरता, बहादुरी और भारत नेपाल की साझा संस्कृति से भरा है। भारत और हिमालय की गोद में बसे नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। दोनों देशों की सांस्कृतिक, धार्मिक और सैनिक परंपराएं भी साझी रही हैं। पहले भारतीय राजाओं की सेनाओं में नेपाली योद्धा शामिल होते थे। वर्ष 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश फौज के बीच लड़ाई हुई। इस दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को नेपालियों की वीरता ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। प्रसिद्ध नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने जब हिमाचल प्रदेश के मलौन के किले में अंग्रेज जनरल डेविड ऑक्टरलूनी के सामने हथियार डाले तो उन्हें अपने हथियारों और ध्वज के साथ सम्मान से जाने की इजाजत दी गई। इन्हीं सैनिकों से 24 अप्रैल 1815 को हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई जिसे पहली नसीरी बटालियन नाम दिया गया। ये आज भारतीय सेना की पहली गोरखा राइफल्स कहलाती है। मार्च 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली की संधि में गोरखा सैनिकों की भर्ती की शर्त भी थी जिसने आगे कई गोरखा रेजिमेंट्स का रास्ता साफ कर दिया। अंग्रेज जब भारत को आजाद करने के बाद वापस जा रहे थे तो वो अपने साथ 2, 6, 7 और 10 गोरखा राइफल्स को ले गए जो आज भी इंग्लैंड की सेना का हिस्सा है। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सैम मानेकशॉ खुद भी एक गोरखा अफसर थे। सैम मानेकशॉ गोरखा सैनिकों की तर्ज पर खुद को सैम बहादुर कहलाने में गर्व महसूस करते थे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने में भी गोरखा राइफल्स का अहम योगदान था। आपने कारगिल युद्ध में इतिहास रचने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का नाम जरूर सुना होगा। शहीद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भी गोरखा राइफल्स से ही थे। भारतीय सेना ने अंतिम युद्ध वर्ष 1999 में कारगिल में लड़ा था लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार चल रही है और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक वीरगति पा रहे हैं। ये लड़ाई मुश्किल है क्योंकि ये शहरों और गांवों में लड़ी जाती है। आतंकवादी किसी गांव या शहर के किसी मोहल्ले में किसी मकान में छिपे होते हैं। कई जगह पर आपको मिलिटेंट या टेररिस्ट छुपा हुआ नजर आता है। इसीलिए गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट को गांव में बने मकान में हर उस जगह को पहचानना सिखाया जाता है जहां आतंकवादी छिपा हो सकता है। बारीकी से सीखना जरूरी है क्योंकि जरा सी गलती और शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। नई लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और असली राइफल की जगह पेंट बॉल गन। कमरे ठीक आम घरों की तरह बनाए गए हैं जिसमें छिपे आतंकवादी को निशाना बनाना है बिना नागरिक आबादी की जान या संपत्ति के नुकसान के। पेंट बॉल के इस्तेमाल से ट्रेनिंग में गोलियों की बचत होती है। खुखरी नेपाल का पवित्र और पौराणिक हथियार है और ये गोरखा सैनिक के साथ हर समय रहता है। मैदाने जंग में दुश्मन पर सबसे ज्यादा खौफ इसी छोटे से हथियार का होता है। आपको अब हम केवल उस दृश्य का हल्का सा एहसास कराते हैं कि जब गोरखा जवान खुखरी निकालकर दुश्मन पर टूटता है तो कैसा लगता है। बहुत कम हथियारों ने इतना नाम कमाया है जितना कि
इस 10-12 इंच के चाकू खुखरी ने। खुखरी से दुनिया की पहली वाकफियत तब हुई जब 1814 में अंग्रेजों और गोरखा पलटनों के बीच में लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने पहली बार इस खुखरी का स्वाद चखा। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में पूर्व के मोर्चे पर बर्मा और मलाया के जंगलों में खुखरी और जापानियों की कटाना यानी समुराई तलवारों की भिड़ंत कई बार हुई और लगभग हर बार खुखरी भारी पड़ी। जब कोई लड़का किसी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में आता है तो पहले ही दिन बाकी सामानों की तरह उसको एक खुखरी दी जाती है और फिर वो खुखरी पूरे सैनिक जीवन में उसके साथ रहती है। लेकिन यही खुखरी जब संगीत के साथ मिलती है तो इसका रूप वैसे ही बदल जाता है जैसे युद्ध के बाद गोरखा सैनिक संगीत प्रेमी और शांत हो जाता है। गोरखा सैनिक सादा जीवन जीने का आदि होता है और कम से कम संसाधनों से अपना काम चला लेता है। यंग लेफ्टिनेंट था, सिक्किम में पोस्टेड था, तो वहाँ पर वो बर्फ में हमको जो बूट आ रही है, सफ़ेद बूट आप देखे होंगे आपने, वो पहनते हैं। तो एक जवान मेरे साथ जो हम लोग रोज कहीं एक ट्रेनिंग एरिया में जाते थे और वापस आते थे, तो वो फेंट हो गया। तो हमने जब उसके बूट चेक किए तो वो नीचे से फटे हुए थे। तो जब हम उससे बात करने लगे कि भाई आपने ये बताया क्यों नहीं कि आपका बूट फटा हुआ है और आपको नीचे से बर्फ़ लगेगी या फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो उसने हंस के बोला, नहीं साहब ये तो शानों को राचा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों से घबराते नहीं है। विदेशों की जो सेनाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के बगैर वो कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं पाया जाता है। बनिस्पत हमारी गोरखा अपनी परिश्रम और कम से कम और सहन शक्ति के कारण से भी इजीली लड़ सकता है। दोनों में भिन्नता यही है कि उसमें अच्छी से सारे फैसिलिटीज और सारे टेक्निकल से भी वो लड़ना चाहता है। हमारे गोरखा अपने बल और अपने नाम और निशानों के साथ लड़ के भी जीत पाते हैं। गोरखा सैनिक स्वभाव से ही अनुशासित होते हैं, खान पान अपनी परंपराओं के हिसाब से, लेकिन सादा। हमारे बंदों का ज़्यादा खाने में चावल, दाल और ज़्यादा मीट का इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा गोरखा चटनी हमारा जो कल्चर के हिसाब से फेमस चटनी है, इसके अलावा सेल रोटी, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत रोटी भी खाते हैं। गोरखा सैनिकों के जीवन में धर्म का बहुत महत्व है और ये बहुत धार्मिक होते हैं। सारे हिंदू त्योहार उत्साह से मनाते हैं, लेकिन दशहरा इनका मुख्य त्योहार है जिसकी हर पलटन में जोर शोर से तैयारी होती है। सैनिक जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसकर झेलने वाले गोरखा जवानों की एक और पहचान है, या फिर कहिए आदत है। दिन चाहे जैसा बीते, जब भी समय मिले तो हर तकलीफ को भुलाने का एक ही तरीका है। ऑपरेशनल एरिया में बहुत स्ट्रेस्ड अप होता है एनवायरनमेंट, तो हर एक यूनिट जो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है वो अलग अलग तरीके आजमाती है अपने ट्रूप्स को स्ट्रेस फ्री करने का। गोरखों के साथ वो फ़ायदा है कि वो अपना एक छोटा सा मादल लेके आ जाते हैं, शाम को अगर वक्त मिले तो वहीं पे अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं डांस और थोड़े सॉन्ग्स के साथ। ये गीत कितने सुरीले हैं इसका अंदाजा आपको इन्हें सुनकर हो जाएगा। सुबह रेवेली की धुन से शुरू हुआ हमारा सफर अब शाम को रिट्रीट की धुन के साथ खत्म हो रहा है। यहाँ अब फ्लैग उतारा जाएगा और दिन भर की मेहनत से थके हुए गोरखा जवान आराम करेंगे कल सुबह उसी उत्साह से उठने के लिए। अगली बार जानिए भारतीय सेना की एक और रेजिमेंट के बारे में।